हेलो। तो आज हम एमएससी सेकंड सेमेस्टर का इनऑर्गेनिक की फर्स्ट यूनिट का अपन एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पर उठा रहे हैं, एनर्जी प्रोफाइल ऑफ अ रिएक्शन। ओके, तो इस चीज़ को अपन को समझने से पहले अपन को यहाँ पर एक चीज़ कॉलिजन थ्योरी की एक थोड़ी सी नॉलेज अपन को लेनी पड़ेगी कि कॉलिजन थ्योरी ने क्या बोला था। कि कॉलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी के या तो इक्वल या फिर मिनिमम एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं और एब्जॉर्व कर करके प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं, जैसा कि अपन का यहाँ पर है। जैसे कि ये मान के चलो कोई रिएक्टेंट है, इसने एक्टिवेशन एनर्जी को एब्जॉर्व किया और अपनी ट्रांजिशन स्टेट पर पहुँच गया, अपनी पीक पर पहुँच गया। अब ट्रांजिशन स्टेट जहाँ होती है वही क्या होता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है। ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचते एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हो गया। ट्रांजिशन स्टेट जो होती है एक अनस्टेबल फेज होती है। क्या होती है? अनस्टेबल फेज। यहाँ पर अपन इसको लिख भी सकते हैं, ये होती है आपकी अनस्टेबल स्टेट। ठीक है, ये जो अनस्टेबल स्टेट होती है तो ये कोई भी अगर चीज़ अपनी अनस्टेबल है तो वो अपनी स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी और स्टेबिलिटी की तरफ ये जा करके क्या बना लेती है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेती है। तो यही चीज़ अपनी क्या कहती है, एक्टिवेशन, वो कॉलिजन थ्योरी कहती है। अब देखो, रिएक्टेंट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी के डिफरेंस को ही क्या बोलते हैं, पर एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो रिएक्टेंट जो कि ये है प्रोडक्ट जो कि ये है, तो रिएक्टेंट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इन दोनों के बीच के डिफरेंस को ही अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर, एक्टिवेशन एनर्जी। सिंपल सी बात है। और एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होती है वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, डिक्रीज होने लग जाती है। और जैसे जैसे एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होने लग जाती है, बढ़ने लग जाती है। जैसा कि अपन ने यहाँ पर के लिखा है, ये इनडायरेक्टली और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ अगर अपन यहाँ पर देखें तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या होता है। ठीक है, अब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या चीज़ है अपने पास, कि प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों के बीच में जो कर्व बनाया जाता है वही एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होता है। जैसे कि देखो, इधर देखो आप, ये जो कर्व बना हुआ होता है ये एक तो पोटेंशियल एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन इन दोनों के बीच में ये जो ग्राफ, ये जो कर्व बनाया गया है, यही कर्व को ही क्या अपन बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम इसको अपन बोलते हैं। ठीक है, अगला कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच जो एनर्जी गैप होता है उसको ही अपन क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। देखो, ये रहा रिएक्टेंट और ये रहा प्रोडक्ट, इन दोनों के बीच में जो गैप आ रहा है, इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, डेल्टा एच बोल रहे हैं। अब ये डेल्टा एच या तो पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर ये डेल्टा एच यहाँ पर नेगेटिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है किस रिएक्शन के लिए अपन इसको कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन यानी कि डेल्टा एच, इस डेल्टा एच की बेसिस पर ही टू टाइप्स की एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हमारे यहाँ पर मिलते हैं। एक तो कौन सा होता है आपका, एंडोथर्मिक, सिंपल सी बात है। दूसरा कौन सा होगा, एक्सोथर्मिक होगा। तो एंडोथर्मिक में क्या होता है कि इस रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। देखो, हीट एनर्जी की क्या होती है, रिक्वायरमेंट। अब रिक्वायरमेंट होगी तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, अपने यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो सिंपल सी बात है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट की एंथैल्पी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट की एंथैल्पी। तो अपन ने ये लिखा है कि प्रोडक्ट की एंथैल्पी यहाँ पर ग्रेटर देन इज कम्पेयर टू एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, यही लिखा है। तो अगर इन दोनों के लिए अगर अपन ग्राफ खींचे तो सिंपल सी बात है, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो डेल्टा एच पॉजिटिव है तो देखो, रिएक्टेंट यहाँ से मैंने एक्टिवेशन एनर्जी गेन करी, यहाँ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाया, ट्रांजिशन स्टेट बनाया, अनस्टेबल फेज है, अब ये स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा और प्रोडक्ट कर लेगा, फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये यहाँ पर इनके बीच में जो डेल्टा एच है इसका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें हीट की क्या है, रिक्वायरमेंट है। तो देखो, ग्राफ भी अगर इस तरीके से नहीं पहचान सकते तो उसमें ग्राफ भी देखो, रिएक्टर प्रोडक्ट के बीच में इस तरीके से लाएंगे, यानी कि इस तरीके से आप बोल भी सकते हो कि प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका, प्रोडक्ट आपका डेल्टा एच क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर इसी एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर आप मान के चलो एक ग्राफ बना रहे हो, किस तरीके का ग्राफ, कि जिसमें रिएक्शन एक या एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट हो गई। देखो, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर रिएक्शन दैट कंप्लीट इन वन और मोर स्टेप्स। ठीक है, तो एक या एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट हो गई, मान चलो दो स्टेप में कंप्लीट हो रही है, तो अपन सबसे पहले क्या बनाएंगे, अपनी ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट, फिर डिक्रीज होगा,
फिर ट्रांजिशन स्टेट सेकंड, और फिर क्या होगा यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। सिंपल सी बात है। अब देखो जहाँ पर दो ट्रांजिशन स्टेट आती है तो उनके बीच में हमेशा एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, ध्यान रखना। ये इंटरमीडिएट का आप कैरेक्टरिस्टिक्स मान लो, इंटरमीडिएट क्या होता है कि दो ट्रांजिशन स्टेट के बीच में आने वाली स्टेप ही क्या होती है आपकी, इंटरमीडिएट स्टेप होती है। अब इतनी देर से अपन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं, तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है क्या चीज़, तो यही चीज़ यहाँ पर लिखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के स्टेट ऑफ मैक्सिमम एनर्जी इन एवरी प्रोफाइल डायग्राम शोज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यानी कि किसी भी प्रोफाइल डायग्राम के अंदर से, कि ये प्रोफाइल डायग्राम है, तो इस प्रोफाइल डायग्राम के अंदर जहाँ मैक्सिमम एनर्जी की स्टेट होगी, मैक्सिमम एनर्जी की स्टेट कहाँ होती है, जहाँ ट्रांजिशन स्टेट होती है, जहाँ पर क्या होती है आपकी ट्रांजिशन स्टेट, तो जहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम एनर्जी, और जहाँ मैक्सिमम एनर्जी वही तो क्या होगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जहाँ ट्रांजिशन स्टेट है वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ही है और वो अनस्टेबल ही है, बताया नहीं बताया, यही चीज़ लिखी है कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की मैक्सिमम एनर्जी होने पर स्टेबिलिटी मिनिमम होती है, स्टेबिलिटी मिनिमम कह लो या अनस्टेबल कह लो, सेम बात है। अब ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो होता है ट्रांजिशन स्टेट, ये इमेजिनरी फेज होती है, बट कौन सी फेज होती है, इमेजिनरी फेज होती है। अब ऐसा नहीं है कि अपन कोई रिएक्शन कर रहे हैं तो उस रिएक्शन में एक्चुअल में ट्रांजिशन स्टेट बन रही हो या इंटरमीडिएट स्टेट बन रही हो, ना, रिएक्शन में रिएक्शन होती है और डायरेक्ट प्रोडक्ट बनता है, ये बीच में जितनी भी स्टेप्स होती है वो सारी इमेजिनरी होती है। ठीक है, तो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी क्या है, इमेजिनरी है। तो सर आप पता कैसे लगाओगे कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कितनी, यानी कि एक रिएक्शन के अंदर कितने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं, सिंपल सी बात है, जहाँ ट्रांजिशन स्टेट वहीं पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, ये बोल सकते हैं। तो और अगर ये नहीं बोले तो नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ रिएक्शन, यानी कि जितने रिएक्शन में जितने स्टेप्स होंगे उतने ही ट्रांजिशन स्टेट होंगे, और जितने ट्रांजिशन स्टेट होंगे उतने ही नंबर ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी होंगे। इज इट क्लियर और नॉट? अब नेक्स्ट, अब एंडोथर्मिक के लिए अपन ने पढ़ लिया एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, अब एक्सोथर्मिक के लिए पढ़ेंगे। एक्सोथर्मिक के लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या कहता है कि हीट की इस रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज होती है, क्या होती है, हीट एनर्जी रिलीज, और जब हीट एनर्जी रिलीज होगी तो सिंपल सी बात है डेल्टा एच क्या हो जाएगा अपने पास, नेगेटिव, और डेल्टा एच नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, क्योंकि रिएक्टेंट से या रिएक्टेंट यहाँ पर आपका मॉलिक्यूल क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को लेगा, एक्टिवेशन एनर्जी लेकर के ट्रांजिशन स्टेट पर पहुँच करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को बनाएगा, ये अनस्टेबल होता है, सिंपल सी बात है, और फिर ये अनस्टेबल होता है तो प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेगा, स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, तो यहाँ पर प्रोडक्ट। और तो सर एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट नीचे की तरफ क्यों बना, क्योंकि डेल्टा एच क्या है यहाँ पर, नेगेटिव। एंडोथर्मिक में प्रोडक्ट ऊपर की तरफ क्यों बनाया, क्योंकि उसमें डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव है। ये क्लियर हुई आपके सामने बात, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, जब डेल्टा एच नेगेटिव है तो रिएक्टेंट की एंथैल्पी क्या होगी, ग्रेटर देन इज कम्पेयर टू प्रोडक्ट, यही अपन यहाँ लिखा है कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। अब यही इसी सिचुएशन को अगर अपन ऐसी रिएक्शन में ले जो एक से ज़्यादा स्टेप में कम्प्लीट हो रही है, तो वही जो कि अपन ने एंडोथर्मिक में लिया था इसी तरीके से बनाएंगे, और इसमें भी ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट सेकेंड और प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्मेशन कर देंगे, जहाँ पर डेल्टा एच नेगेटिव है प्रोडक्ट। तो इसी तरीके से ये आपका एक टॉपिक कंप्लीट होता है, इसके नोट्स आपको शॉर्ट्स में मिल जाएंगे, वहां से आप ले सकते हैं। थैंक यू।